अच्छा जी, आज हम आए हैं गुलशन इकबाल और ये हम 13 डी से मुड़े हैं गुलशन चौरंगी की तरफ और हम जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, हम देखते हैं और आज हम जाएंगे डिस्को बेकरी की तरफ। वहाँ पे यहाँ से फूड स्ट्रीट स्टार्ट हुई है, अब यहाँ से आप नाम पढ़ते जाएं खुद ही। रवीन अंसारी गुजरे, काफ़ी सारे आगा जूस है, काफ़ी सारे गुलशन चौरंगी से पहले लेफ्ट के ऊपर भी काफ़ी सारे जूस वाले, आइसक्रीम वाले, एक दो रेस्टोरेंट है स्वीट वाले भी हैं। ब्रिज उतरने के बाद भी एक स्वीट वाले हैं और राइट के ऊपर भी काफ़ी सारे दरबार है। यहाँ वैसे बहुत सन्नाटा था, अब यहाँ से रेस्टोरेंट शुरू हुए हैं। ये दरबार रेस्टोरेंट है, ये डेली मलिक निहारी है और ये राइट साइड पे जो है वो सोनी स्वीट मशहूर ज़माना ये डिस्को बेकरी आ गई है और ये आ रहे हैं एप्पल रोल आ गई और ये कबाब की फ्राइड चिकन आ गया, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा आ गया, सॉल्ट आ गया। रॉयल ताज है, यहाँ हमारी जानने वाले की बर्थडे भी हुई थी। ईद है, मैकडोनल्ड है, अब ये चिकन फ्राइड चिकन है और अब ये आ गई है ड्रॉप कॉफ़ी, इसके बाद है केक बाइट्स। और हम पहुंच चुके हैं सिद्धा गुलशन चौरंगी पे, ये डिस्को बेकरी से मस्कन की तरफ जाते हुए लेफ्ट पे पड़ता है और अब हम जा रहे हैं सिद्धर के अंदर। यहाँ का एम्बियांस काफ़ी प्रेजेंट है और बहुत मज़े का है यहाँ का एम्बियांस। और हम इनका मेन्यू देखते हैं, ये सिद्धर का मेन्यू है, काफ़ी बड़ा मेन्यू है इनका, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं इसमें। इनके सूप हैं, सैलड्स हैं, इनके स्टेक्स हैं, सैंडविचेस हैं। मैंने इनके बेटर से पूछा भाई यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, उसने बोला स्टेक, सूप और राइस वगैरह यहाँ की स्पेशलिटी है। पहले तो मैंने बच्चे के लिए फ्राइज और ओनियन फ्राइड मंगवाया, अपने लिए मोरक्कन बीफ स्टेक मंगवाया, बड़ा गर्मा गर्म ये स्टेक आया और बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही थी। और इसकी साइड लाइन आ गई राइस, काफ़ी मज़े का लग रहा था ये। फिर हमने इसको टेस्ट करना शुरू किया, थोड़ा सा कट करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हमने वेल्डन नहीं मंगवाया था। ये देखें, ये इसको हम कट कर रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत डिफरेंट टेस्ट है इनका सिज़र का। और ये हमने इसको खाना शुरू किया और बहुत मज़ा आ रहा था। ये पीछे इनकी कॉफ़ी और जूसेस वगैरह भी बन रहे हैं और ये आ गया इनका सूप, ब्रेड बाउल इनका सूप है, ये मशरूम इसका फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त सूप है, ये इनकी स्पेशलिटी है यहाँ की। इनका एम्बियंस भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से ये हाईली रिकमेंडेड है आप सभी यहाँ आए।